नमस्कार मित्रों, मैं राजेंद्र पटेल एक बार फिर से आप सभी का अपने इस पार्थ स्टेशन परिवार में हृदय से स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप लोग पहले से जान रहे होंगे, हो सकता है कि सूचना रही होगी 9 बजे क्लास होगी, लेकिन अचानक क्लास स्टूडियो खाली होने के कारण हमने सोचा कि आप लोगों को पहले क्लास से जोड़ दिया जाए। तो अगर आप लोग जितने लोग जुड़ चुके हैं ठीक है, अभी बहुत कम लोग जुड़े हैं, और जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, है ना, जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाइए जिससे कि आप सभी लोग पूर्ण क्लास ले सके। ठीक है, तो जैसा कि आज को आप लोग के पास हो गया होगा मैसेज, आज इस क्लास में हम जोड़ने चल रहे हैं आपको प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट कला ग्रुप के कलाकार सैयद दर्रजा, अर्थात पैग ग्रुप जो मुंबई में स्थापित हुआ था सर 1947-48 में, उनके एक प्रसिद्ध प्राकृतिक दृश्य चित्रकार सैयद हैदर रजा। और हम इसके पूर्व बताना चाहते हैं कि आज हमने क्लास लाइव से पहले 3-4 वीडियोस रिकॉर्ड कर दिए हैं। वह वीडियो आपके कलकत्ता ग्रुप से संबंधित है, एक वीडियो, दूसरा है हमारा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट कला ग्रुप के से संबंधित है, जिनमें उनकी प्रदर्शनियां और के साथ साथ फ्रांसिस रिटर सुजा के बारे में बताया गया है। तीसरा वीडियो में हमने जो आज का अपलोड डाउनलोड किया है, रिकॉर्ड किया है, उसमें प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट कला ग्रुप के सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार और भारत के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन का जिक्र किया है, है ना। अर्थात तीन वीडियो आज के रिकॉर्ड हो चुके हैं, अर्थात इन तीनों चीजों को आपके इन तीनों टॉपिक पर, मीन्स कलकत्ता कला ग्रुप में हमने उसकी स्थापना, उसकी प्रदर्शनियां और उस कलकत्ता कला ग्रुप के कलाकार प्रदोष दास गुप्ता के बारे में जिक्र किया है, और साथ ही साथ उनके कुछ कलाकृतियों को भी हमने वर्णित किया है। और जिस दिन मेरी क्लास नहीं होगी उस दिन वो सभी वीडियोज आप तक पहुंचेंगे और आप इन सभी से अवगत हो जाएंगे। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मकबूल फिदा हुसैन तक का हमने रिकॉर्ड कर दिया है, वो आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट आपके प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट कला ग्रुप के जो कलाकार हैं वे हैं सैयद हैदर रजा के बारे में जिक्र हम करेंगे अभी वर्तमान समय में। ठीक है, तब तक आप लोग जल्दी से जल्दी, जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। चंदन जायसवाल जी जुड़ चुके हैं और धर्मेश प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं, रवि शुक्ला जुड़ चुके हैं, विभा द्विवेदी भी जुड़ चुकी है, प्रदीप बनवाला भी जुड़ चुके हैं हमसे, नमन अवस्थी भी जुड़ चुकी है, सोहनी यादव जुड़ी हैं, बबीता राठौर भी जुड़ चुके हैं, कृपानंद भारती भी जुड़ चुके हैं, ब्रिजेश यादव भी जुड़ चुके हैं, मनोज उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं, कुमार शंकर जी भी जुड़ चुके हैं। और जो लोग भी अभी नहीं जुड़ पाए हैं, जो जुड़ना चाह रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। और आज का जो टॉपिक है सैयद हैदर रजा, चित्रकार सैयद हैदर रजा, चित्रकार है कुछ नहीं, मोबाइल सिग्नल को उठा दीजिए, ये चलिए। शेयर हैदर रजा, इनसे आपको हम आप जोड़ रहे हैं। आपको बताया गया कि जब प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट कला ग्रुप की स्थापना हुई थी उसमें स्थापना में केवल प्रमुख रूप से तीन कलाकार थे, कौन कौन से, फ्रांसिस न्यूटन सुजा, कृष्ण हवला जी आरा और सैयद हैदर रजा। आपको यह भी बताया गया कि कृष्ण हवला जी आरा जो केवल मैट्रिक लेवल की परीक्षा कला के लिए थी, और उसके बाद इन्होंने जब चित्रकारी करना प्रारंभ किया था तो प्रारंभ में इनके चित्रों को लोगों ने पसंद नहीं किया, प्रदर्शनियों में जब इन्होंने अपने चित्रों को प्रदर्शित किया अस्वीकार कर दिया गया, और इन्हीं के द्वारा बनाया गया चित्र राधा कृष्ण को अस्वीकार होने के बाद फ्रांसिस न्यूटन सुजा, सैयद हैदर रजा और कृष्ण हवला जी आरा ने मिलकर प्रोग्रेसिव आर्ट्स कला ग्रुप मुंबई की स्थापना सन 1947
या 1948 ईस्वी में किया था। तो उसके बाद इन तीन कलाकारों के साथ साथ हमने आपको बताया कि मकबूल फिदा हुसैन, बाकरे और गायक टुंडे भी इसमें के सदस्य हुए प्रमुख रूप से। इसके साथ साथ कुछ अन्य कलाकार भी इस कला ग्रुप के सदस्य रहे हैं, तो जिनमें से हम फ्रांसिस न्यूटन सूजा का जिक्र जो वीडियो बने उस पर कर चुका हूँ, मकबूल फिदा हुसैन का भी जिक्र कर चुका हूँ, कलकत्ता कला ग्रुप का भी जिक्र कर चुका हूँ, प्रोग्रेसिव आर्ट कला ग्रुप के बारे में भी हम जिक्र कर चुके हैं, है ना। आपको वह वीडियो जिस दिन मेरी लाइव क्लास नहीं होगी वो आपको बीच बीच में कंटिन्यूअस सेंड होते रहेंगे, उसके माध्यम से आपको उनके बारे में जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट हमारे कलाकार हैं आज के सैयद हैदर रजा, ये भी प्रोग्रेसिव आर्ट कला ग्रुप के कलाकार हैं और इनकी प्रसिद्धि एक दृश्य चित्रकार के रूप में है, प्राकृतिक दृश्य चित्रकार के रूप में है। और यह प्राकृतिक दृश्य चित्रकार होने का इनके मन में या हृदय में इसलिए भावना बनी होगी शुरू में चित्रों का निर्माण करने का, क्योंकि इनके पिताजी मध्य प्रदेश में वन विभाग में या वन विभाग के एक अधिकारी थे और उनके साथ ये रहते थे, जिसका प्रभाव इनके ऊपर, वहां के प्राकृतिक दृश्यों का प्रभाव सैयद हैदर रजा के ऊपर पड़ा था। रवि शुक्ला जी कहना, सर हमें पूरी क्लास कहाँ मिलेगी? रवि शुक्ला जी, आप जिस उस पे जुड़े हुए हैं, लिंक पे जुड़े हुए हैं, उस लिंक में आपकी सारी क्लासेज हैं, आप देखेंगे आपको सारी क्लासेज वहां पे रखी गई है। बस आप जैसे जैसे ही आप एक एक क्लास को ऐड देखते जाएंगे वह आपको मिलता जाएगा, ठीक है रवि जी। और जो क्लासेस आपको वहां पे नहीं मिलेगी वे सभी क्लास आपको इसके जो यूट्यूब है, यूट्यूब पे जब जब कोई क्लास पब्लिक की जाती है, तो जब क्लास पब्लिक हो जाती है तो वह क्लास आपके लिंक पर नहीं रहती है, इसलिए जो क्लास आपको नहीं मिलेगी वह यूट्यूब पे जाकर आप सीधे मेरे नाम के साथ और हमारे इस संस्थान के नाम सर्च करेंगे, पार्थ एजुकेशन राजेंद्र सर के नाम सर्च करेंगे, सारे वीडियोस आपको वहां से प्रोवाइड हो जाएंगे, सारी क्लास आपको वहां से मिल जाएगी। तो हम सैयद हैदर रजा की बात करते हैं, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं जन्म। देखिए 22 फरवरी सन 1922 ईस्वी, अर्थात सैयद हैदर रजा की जन्म कब हुआ था? 22 फरवरी सन 1922 ईस्वी को। जन्म स्थान में हम देखेंगे कि इनका जो जन्म हुआ था वह मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश राज्य के मांडना जिले के बावरिया नामक स्थान पर अर्थात फ्रांसिस न्यूटन सूजा का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के मांडना जिले में स्थित बावरिया नामक स्थान पर सन 22 फरवरी सन 1922 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद मृत्यु, तेईस जुलाई सन 2016 ईस्वी, मृत्यु स्थान दिल्ली। ठीक है, तो सैयद हैदर रजा जो एक प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट कला ग्रुप के सदस्य थे, इनका जन्म 22 फरवरी 1922 ईस्वी को मध्य प्रदेश राज्य के बावरिया नामक स्थान पर हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 23 जुलाई सन 2016 को दिल्ली में एक काफी समय से लंबे एक बीमारी के कारण हो गई थी। और इनका जो इनको दफनाने का जो काम किया गया था, इनकी इच्छा थी, सैयद हैदर रजा की इच्छा थी कि हम जब इंस्पायर करें, जब हमारी मृत्यु हो तो हमको हमारे पैतृक निवास स्थान
पर दफनाया जाए। तो इनकी मृत्यु तो दिल्ली में हुई, लेकिन इनका इनको दफनाया गया इनके प्रतीक स्थान में मध्य प्रदेश राज्य के मांडला जिले के वावरिया नामक स्थान पर इनको दफनाया गया है। अब पूछा जाएगा मृत्यु कहां हुई और इनको दफनाया कहां गया। मृत्यु तो इनकी दिल्ली में हुई, लेकिन ये इनको दफनाया कहां गया, इनके पैतृक स्थान मिस बावरिया में। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं इनके बारे में। सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा ने कला का डिप्लोमा कला का डिप्लोमा सर जे जी स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त किया था। इसके बाद सैयद हैदर रजा ने अधिकांशतः तेल माध्यम एवं एक्रेलिक माध्यम में एक्रेलिक माध्यम में चित्रों की रचना किया करते थे। सैयद हैदर रजा ने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की सन 1950 ईस्वी में आयोजित होने के बाद फ्रांस की स्कॉलरशिप प्राप्त करने के बाद पेरिस कला के अध्ययन के लिए चले गए थे। इस प्रकार से सैयद हैदर रजा भारत में सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से कला की शिक्षा लेने के बाद जब इन्होंने
चित्रों के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ किया और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट कला ग्रुप की प्रदर्शनी का आयोजन प्रारंभ हुआ। और जब प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट कला ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी सन 1947 में मुंबई में लगाई गई, सॉरी 1950 में मुंबई में ही लगाई गई थी, तो इनकी प्रसिद्धि बढ़ी और उस समय इनको फ्रांस का एक स्कॉलरशिप मिल गई वहां पे स्टडी करने का। और उसके बहाने से इन्होंने क्या किया, भारत छोड़कर ये 4-5 साल के लिए पेरिस चले गए और वहां पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद चित्रणकार करने के साथ साथ ये अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय गए और वहां पर इन्होंने अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। अर्थात सैयद हैदर रजा ने शिक्षा पूर्ण करने के बाद चित्रण कार्य जारी रखने के साथ साथ चित्रण कार्य जारी रखने के साथ साथ अध्यापन कार्य भी किया। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में काफी दिनों तक शिक्षण कार्य किया। अर्थात रजा ने चित्रण के साथ साथ अध्यापन का भी कार्य किया। ये सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई, ये आपके प्रश्न पूछा जाता है कि सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ पर स्थित है, मुंबई, कई बार चर्चा हो रही है तो आपको याद हो गया होगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई कहाँ, सॉरी सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है, यह मुंबई में स्थित है और भारत के समसामयिक कलाकारों में जो विशेषकर मुंबई ग्रुप के कलाकार है या मुंबई के कलाकार है, अधिकांश कलाकारों ने इसी कला महाविद्यालय से कला शिक्षा प्राप्त की थी, किया था। सैयद हैदर रजा ने अपने चित्रों को अपने चित्रों को पहली बार सन 1946 में मुंबई में ही प्रदर्शित किया था। सैयद हैदर रजा की प्रसिद्धि बढ़ने के बाद भारत सरकार ने सैयद हैदर रजा को सन 1981
ईस्वी में पद्मश्री, सन 2007 में पद्म भूषण, एवं सन 2012 में कहीं की 13 भी लिखा होगा, देख लीजिएगा, 2012 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया था। ठीक है, तो ये इस प्रकार से देखा जाए तो भारत धीमे धीमे भारत के साथ साथ विदेशों में भी ख्यात अर्जित किए, और जब भारत के साथ साथ विदेशों में भी ख्यात अर्जित किए तो इनको भारत के साथ साथ विदेश से भी कई प्रसिद्ध पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने इनको सन 1981 में पद्मश्री, 2007 में पद्म विभूषण, 2012 में पद्म विभूषण और 2007 में पद्म भूषण, 2012 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने सैयद हैदर रजा को सन 1981 में कालीदास सम्मान से सम्मानित किया था। यह भी प्रश्न बहुत बेजोड़ है, आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कालीदास सम्मान से कब सम्मानित किया था। ठीक है, तो 1981 में मध्य प्रदेश सरकार ने इनको कालीदास सम्मान से सम्मानित किया गया। इस प्रकार से आप ये सैयद हैदर रजा जब जितने प्रसिद्ध हुए जितनी प्रसिद्धि इनको भारत में प्राप्त हुई उतनी ही प्रसिद्धि इनको विदेश में प्राप्त हुई, और इनके प्रसिद्धि का मुख्य कारण 2010 में ये बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए जब इनका चित्र सौराष्ट्र 16.42 करोड़ में बिका था। 2010 में ये भारत के सबसे बड़े चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। अर्थात आप यह जाने कि सैयद हैदर रजा का सबसे महंगा चित्र कौन सा है या कौन सा बिका था, तो सौराष्ट्र नामक चित्र सन 2010 में इनका 16.43 करोड़ में बिका हुआ था, और 2010 में ये भारत के सबसे बड़े चित्रकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। ठीक है, और उसके बाद इनके द्वारा बनाई गई जो प्रसिद्ध चित्र हैं, हम चित्रों को देख लेते हैं। सैयद हैदर रजा की
प्रमुख चित्र। तो देखिए सैयद हैदर रजा के प्रमुख चित्र, हमने आपको बताया कि इनकी जो ज्यादातर प्रसिद्धि है वह प्राकृतिक दृश्यों के कारण है, अर्थात इनको प्राकृतिक दृश्य चित्रकार के रूप में ज्यादातर प्रसिद्धि प्राप्त है। और इन्होंने अपने द्वारा बना इनके द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध चित्रों में देख लीजिए श्रीनगर की गली, श्री नगर की गली, अंकुरण, ब्लैक सन, ब्लैक सन, बारामूला इन रुइस, बारामूला इन रुइस, श्रीनगर की गली, अंकुरण, ब्लैक सन, बारामूला की बारामूला इन रुइन के साथ साथ इनके द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध जैसे चौपाटी जमीन, ग्रीम आवास, चौपाटी ग्रीम आवास, चौपाटी ग्रीष्म आवास, पतझड़, झेलम, पतझड़, झेलम। एक चीज और बता दें, पतझड़ नामक एक चित्र आपने देखा होगा क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का भी है ना। ठीक है, झेलम पतझड़ नामक चित्र क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का भी है, झेलम। इसके बाद श्रीनगर की गली, श्रीनगर की गली, सौराष्ट्र, ठीक है, सौराष्ट्र आदि, ये रजा के प्रसिद्ध चित्र हैं जिनके माध्यम से इनका इनकी एक और भी देख सकते हैं, आज भी इनका एक प्रसिद्ध चित्र है, आज एक चीज और भी देख सकते हैं, राजस्थान, राजस्थान चित्र श्रृंखला, ठीक है, ये प्रसिद्ध कुछ चित्र हैं सैयद हैदर रजा के। इस प्रकार सैयद हैदर रजा आपके प्रोग्रेसिव आर्ट कला ग्रुप के प्रसिद्ध चित्रकार हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया। तो हम एक बार थोड़ा सा इनसे आपसे फिर से इन हाईलाइट कर दे रहे हैं इनके आने वाले प्रश्न, उसको आप लोग देख लीजिए। देखिए जैसे कि पूछा जाता है कि सैयद हैदर रजा का जन्म, ज्यादातर जो प्रश्न अभी तक पूछा गया है वह पूछा गया है कि सैयद हैदर रजा का जन्म कब हुआ था, है ना। तो आपको यह देखना है कि सैयद हैदर रजा का जो जन्म हुआ है वह कब हुआ और कहां पर हुआ। उसके बाद 2016 के एग्जाम के जब पेपर के बाद सॉरी 2016 की जो वैकेंसी आई थी उस समय तो इनकी मृत्यु के बारे में जिक्र नहीं किया गया, लेकिन ये मान लीजिए कि इनके मृत्यु के बारे में इस बार जिक्र होगा, है ना। तो आपको सबसे पहले देखना है कि 1922 ईस्वी में सैयद हैदर रजा का जन्म हुआ था। उसके बाद कहां हुआ, तो मध्य प्रदेश के बावरिया नामक स्थान पर, मध्य प्रदेश के बावरिया नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। फिर इनकी मृत्यु कब हुई, 23 जुलाई 2016 को, 23 जुलाई 2016 को इनकी मृत्यु कहां पे हो गई, दिल्ली में। ये चार कंटेंट हैं वो अलग अलग है, हमने आपको अलग अलग रख दिया है, इनको आपको देखना है, ठीक। ये चार प्रश्न इनके हैं,
चार प्रश्न हैं, आपको चारों प्रश्न आपके याद होना चाहिए। जन्म, जन्म स्थान, मृत और मृत्यु स्थान, ये चार कंटेंट हैं, चारों हमने आपके सामने रख दिया है। उसके बाद सैयद हैदर रजा ने कला का डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया, तो जब बात आए कि इन्होंने कला का डिप्लोमा कहाँ लिया, तो सीधे आप जाइए सरजेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स, डिप्लोमा सरजेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई। और हमने आपको बताया कि ये चित्र एक प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि सरजेजे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पर स्थित है। उसके बाद सैयद हैदर रजा ने ज्यादातर किस माध्यम में काम किया, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इन्होंने ज्यादातर तैल माध्यम या एक्रेलिक माध्यम में काम किया। तैल माध्यम में, एक्रेलिक माध्यम में इन्होंने ज्यादातर काम किया। उसके बाद सैयद हैदर रजा ने प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी अर्थात 1950 में आयोजित होने के बाद, ये फ्रांस की स्कॉलरशिप प्राप्त करने के बाद पेरिस चले गए थे। अर्थात प्रोग्रेसिव आर्ट कला ग्रुप के दूसरी प्रदर्शनी के बाद रजा कहां चले गए थे, तो रजा फ्रांस की स्कॉलरशिप पाए और कला की शिक्षा के लिए, बड़ी कला की शिक्षा के लिए ये पेरिस चले गए और 4-5 साल वहां रहकर शिक्षण कार्य करते रहे, अध्यापन कार्य करते रहे, और अध्यापन कार्य के साथ साथ वहां पर इन्होंने चित्रों की रचना जारी रखी थी। और विद्वानों का कहना है कि सैयद रजा स्वयं मानते थे कि ये सन 1952 ईस्वी में जब सैयद रजा पेरिस में रह रहे थे, वहां पर अपना पहला चित्र बनाया था। आपसे पूछा जाए कि सैयद हैदर रजा ने अपना पहला चित्र कब बनाया विदेश में, तो सन 1952 ईस्वी में इन्होंने बनाया था। उसके बाद सैयद हैदर रजा ने शिक्षण पूर्ण करने के बाद चित्रण कार्य जारी रखने के साथ साथ अध्यापन कार्य भी किया। अर्थात सैयद हैदर रजा ने कला की शिक्षा जब पूर्ण कर लिया, ये चित्रकारी करना तो शुरू कर ही दिया था, साथ ही साथ अध्यापन कार्य करना भी प्रारंभ किया। और ये अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य भी काफी दिनों तक किया। ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, कि अमेरिका के या किस विश्वविद्यालय में, विदेश में इन्होंने किस विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य किया था, कहां पर अध्यापन कार्य किया था, या किस विश्वविद्यालय में ये प्रख्यात रहे, तो ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहे। उसके बाद सैयद हैदर रजा ने अपने चित्रों को पहली बार सन 1946 ईस्वी में प्रदर्शित किया था, कहां पर, मुंबई के सैलून में, है ना। तो सबसे पहले इनके चित्रों की प्रदर्शनी सन 1946 में मुंबई में ही लगाई गई थी। उसके बाद भारत सरकार ने सैयद हैदर रजा को सन 1981 ईस्वी में क्या किया, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया, ठीक है। जबकि सन 2007 ईस्वी में क्या किया, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। साथ ही साथ सन 2012 ईस्वी में सैयद हैदर रजा को भारत सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। ये तीनों पुरस्कार बड़े पुरस्कार हैं, इनसे ये भी आपको देखना है, ठीक है। और साथ ही साथ आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने सैयद हैदर रजा को सन 1981 ईस्वी में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था। आपसे पूछा जाएगा कि सैयद हैदर रजा को कालिदास सम्मान
कब प्राप्त हुआ था? सन 1981 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार ने इनको कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था। ठीक है, उसके बाद सैयद हैदर रजा के प्रमुख चित्र, अब देख लीजिए सैयद हैदर रजा के जो प्रमुख चित्र हैं उनमें से पहला देखिए श्रीनगर की गली, अंकुरण, ब्लैक सन, तीसरा ब्लैक सन। ये इस ब्लैक सन नामक चित्र का निर्माण इन्होंने सन 1953 ईस्वी में किया था, इसको भी याद दिले कभी पूछा जा सकता है। उसके बाद बारामूला इन रूइंस इस चित्र का निर्माण इन्होंने 1948 ईस्वी में किया था, इसको भी आप देख लीजिए, है ना, कभी कभी पूछ सकता है। यह चौथा नंबर का प्रश्न चित्र था इनका प्रसिद्ध, इसको रहने दीजिए थोड़ा सा, नहीं तो भी आप कंफ्यूजन में, हम नीचे लिख देंगे। ये 1948। उसके बाद चार पांचवा इनका चित्र है चौपाटी, छह है ग्रीष्म आवास, सातवां है पतझड़, आठवां है झेलम। ठीक है, यह इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं। इनके साथ साथ नौ है श्रीनगर की गली, दस है सौराष्ट्र, ग्यारह इनका चित्र है आज, बारहवां नंबर का चित्र है राजस्थान चित्र श्रृंखला। राजस्थान चित्र श्रृंखला यह इनका एक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला माना जाता है, आज भी इनका एक प्रसिद्ध चित्र है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सौराष्ट्र नामक चित्र इनका सन 2010 ईस्वी में क्रिस्टी के जो एक क्रिस्टी पैलेस जो लंदन में एक प्रदर्शनी होती है ना, वहां पर इनके द्वारा बनाया गया सौराष्ट्र नामक चित्र प्रदर्शित किया गया था, और ये भारत के प्रदर्शित किया गया था, और इनके द्वारा बनाया गया यह चित्र 16.42 करोड़ रुपए में बिका था, और यह 2010 में भारत के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है, इस प्रकार से इनके द्वारा बनाए गए ये जो चित्र हैं ये आपके कई बार पूछे गए हैं, जैसे सौराष्ट्र कई बार पूछ लिया गया है और अंकुरण कई बार पूछा गया है। एक चित्र और इनका देख लीजिए, हम नहीं लिखे, बिंदु। बिंदु इनका एक सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है, चित्र इनके बहुत है इसलिए तीरा। ठीक है, बिंदु भी इनका प्रसिद्ध चित्र है, बहुत सारे हैं, कितने चित्रों को लिखा जाएगा, है ना, चित्रों की एक झड़ी सी है। आप जानते हैं 2000-3000-1500 चित्र एक एक कलाकारों ने बनाया है, कितने चित्रों को आप रट सकते हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में आते हैं उनको हमने आपको बता दिया। इस प्रकार से देखिए सैयद हैदर रजा भारत के प्रोग्रेसिव आर्ट कला ग्रुप के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, है ना, और इनके बारे में कुछ चीजें और देख लीजिए, जैसे कि इनकी माता, इनके पिताजी का नाम सैयद हैदर रजा जो थे, इनके पिताजी का नाम था सैयद मोहम्मद रजा, जबकि माता का नाम था ताहिरा बेगम, इनकी माता जी का नाम ताहिरा बेगम था। ठीक है, तो सैयद हैदर रजा को बस यहीं तक इतना देख लीजिए, बाकी आप लोग गहराई से जब अध्ययन करना होगा तो आप लोग किताबों की सहायता से अध्ययन करिएगा, इनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजों को हम नहीं बता सकते आपको, क्योंकि समयाभाव होता है, और चित्रकारों की संख्या इतनी लंबी है कि सभी चित्रकारों को विधिवत इस स्टेज पे पढ़ाना तो मुश्किल है ना। तो जो आपके एग्जाम की चीजें हैं वह चीज हम आपको बता दे रहे हैं। तो इसी के साथ ये सैयद हैदर रजा को हम समाप्त करते हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया कि मकबूल फिदाउस शेर रजा, इनके बारे में वीडियो क्रिएट करके रखा गया है, वहां पे इनके बारे में जानकारी आपको मिलेगी, आपको छोड़ा नहीं गया है। जिस दिन हमारी क्लास नहीं होगी उस दिन आपको वह वीडियो एक एक करके सेंड किए जाएंगे, है ना। तो आज हमारी क्लास यहीं तक है, अगर ये सारी चीजें यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई भी चीज जानना है, तो अभी आप अपने कमेंट के माध्यम से, भी हमारे पास 4-5 मिनट का समय है, आप पूछ सकते हैं। चार से पांच मिनट का हमारे पास समय है, आप पूछ सकते हैं। लास्ट में निधि भी जुड़ चुकी थी, दीन बंधु भी हमसे जुड़ चुके थे, है ना, संतोष कुमार भी जुड़ चुके थे, गुरुवेंद्र यादव भी जुड़ चुके थे, अर्शी फातिमा भी हमसे जुड़ी हुई हैं। ठीक है।
निधि जी ने अर्शी जी को कुछ किया, शायद इनको भी ग्रुप में ऐड करना है। अर्शी जी, बहुत मांग है आपकी, आपकी मांग भी इतनी बढ़ गई है कलाकारों में कि जिसके जुबान पे देखा जाए तो अर्शी जी का ही नाम रहता है। तो अर्शी जी, आप सभी का सम्मान करते हुए जो भी ये लोग चाह रहे हैं उनको, इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश किया करिए, है ना। 100% रिजल्ट कोई नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए। और बताएं, अगर किसी की किसी प्रकार की समस्या हो तो बताएं। नहीं, नेक्स्ट क्लास कल की हमारी होगी, यूनिक तो चलिए देखिए, आप लोग के कमेंट नहीं आ रहे हैं, संभवतः यहाँ से क्लास आप लोग के कुछ मिनट लेट आते हैं, है ना, तो बाद में आएंगे, कोई बात नहीं है। चलिए, आज आप सभी लोगों को यहीं से छोड़ते हैं, कल फिर मिलते हैं। कल तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।